हेलो गाइज, कैसे हैं तो आप सब लोग। गाइज आज मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में मैं बताऊंगा कि आजकल कि अपन जो पब्लिक पैलेस होती है उस पर अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं। जैसे पब्लिक पैलेस हो गया, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, बहुत सारी जगह होती है गाइज, तो वहाँ पर अपन अपना मोबाइल चार्ज लगाते हैं। तो उसके हमें क्या नुकसान है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा गाइज आज आपको। तो गाइज आजकल आपने देखा होगा कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में या फिर कहीं पे भी देखने को मिलेगा कि हैक करके, डेटा हैक करके पैसे निकाल लिए जाते हैं बैंक से, यूपीआई के थ्रू भी पैसे निकाल लिए जाते हैं। ना कोई ओटीपी आता है, ना कुछ आता है, फिर भी हमारे बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो गाइज उसी के बारे में मैं बात करूँगा आज इसमें, इस वीडियो में। तो सबसे पहले गाइज, अगर आप कहीं पब्लिक पैलेस पर फ़ोन चार्ज लगाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि पब्लिक पैलेस पर जो चार्जर लगे होते हैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, उनमें एक चिप सिस्टम लगाया जाता है। तो चिप सिस्टम से अपना फ़ोन का पूरा डाटा हैक कर लेते हैं हैकर फ़ोन का पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारे फ़ोन के अंदर जो भी डाटा होता है हमारा, तो उसको हैक करने के बाद में हमारा अकाउंट, आजकल क्या होता है कि सारे अकाउंट्स फ़ोन जैसे सिम के नंबर्स वगैरह उस तरीके से सारा सब कुछ लिंक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस आप किसी पब्लिक पैलेस पर अपना फ़ोन चार्ज करते हैं तो आपका जवाब हाँ है, तो कृपया आप सावधान हो जाइए और ये वीडियो देखिए। तो आप उसके बाद में, मैं आशा करता हूँ कि कभी पब्लिक पैलेस पे फ़ोन चार्ज नहीं करेंगे। जो भी डेटा होता है उसको चुरा लेते हैं, और चुराने के बाद में ना तो आपके पास में कोई ओटीपी आएगा, ना कुछ आएगा, और आपका जो अकाउंट में अमाउंट है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो आपका, वो लोग निकाल लेते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ गाइज मैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, कैसे क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये क्या होता है, कैसे होता है उसी के बारे में मैं, और आप लोग कैसे अपने मोबाइल को पब्लिक पैलेस चार्ज लगाने से बचें, अगर लगाएं तो कैसे लगाएं, उसके लिए अपना खुद का चार्जर, अडेप्टर चार्जर और डाटा केबल का यूज़ करें। जहाँ पे भी आपको कहीं इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो यूज़ करें, बाकी पब्लिक पैलेस के चार्जर कभी यूज ना। जैसे हम चार्जर लगाते हैं तो चार्जर जो पिन होती है या चार्जर का अडेप्टर होता है उसमें एक है, जो हैकर्स होते हैं वो एक चिप लगाए रखते हैं, तो वो डाटा पूरा कॉपी होके उनके हैकर्स के पास में चला जाता है। ठीक है, फिर हैकर्स के पास में वो डाटा चला जाता है, उससे वो पूरा मोबाइल फ़ोन अपना हैंग करते हैं। और इसको, सारी प्रक्रिया को, जो पैसे निकालते हैं, हैक करते हैं, इस सारी प्रक्रिया को जूस जैकिंग बोलते हैं। जो कि ये पैसे निकालते हैं ऐसे चार्ज वार्ज करके जो भी निकालते हैं, उस सारी प्रक्रिया को जूस जैकिंग बोलते हैं। तो अब इससे बचने के तरीके मैं बता देता हूँ आपको कि कहीं पे भी आप पब्लिक पैलेस में जा रहे हो, कहीं मतलब रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एक्स वाई जेड, जहाँ पे भी पब्लिक पैलेस में चार्जर लगे हुए हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है आप लोगों को, और कि आपको अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही अपना फ़ोन चार्ज लगाएं। और फ़ोन चार्ज लगाते समय आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके चार्ज लगाएं, उससे आपका डेटा लीक होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। अगर आपको पब्लिक पैलेस में अपना फ़ोन चार्ज लगाना भी है तो अपना खुद का अडेप्टर और खुद के डाटा केबल से चार्ज लगाएं, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने वीडियो इसलिए बनाया है कि क्योंकि लोगों के मन में थोड़ी लोगों को ये बता सकूं सोशल मीडिया के थ्रू। मेरे को भी कहीं से देखने को मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूं। अब जितना भी मेरे से एक्सप्लेन हुआ मैंने आपको बताया, लेकिन यह आपके लिए बेस्ट वीडियो है। अगर आप फ़ोन रखते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन रखते हैं और पब्लिक पैलेस में चार्ज करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसी गलती नहीं करें कि आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो गाइस मैं यही कहूँगा कि अपने फ़ोन को पब्लिक पैलेस में अगर बहुत ज़्यादा नीड है आपको, या आपका फ़ोन डेड हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप स्विच ऑफ करके फ़ोन को चार्ज लगाएं।